स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज के छठे वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वराह मिहिर द्वारा लिखे हुए वृहद संहिता के बारे में। अब ये जो पुस्तक है ये सिर्फ फिर से कृषि को डेडिकेटेड नहीं है, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जल संचयन, जल संरक्षण या जल को ढूंढना, झरने को ढूंढना, टेम्पल का निर्माण कैसे होता है, वहां के परिसर में कौन से वृक्ष पौधे होने चाहिए, तो एक कंप्लीट सेट ऑफ बुक है। बहुत सारा सेक्शन ऑफ जो सब्जेक्ट्स आज हम मानते हैं वो सब बृहद संहिता के अंदर है। और यहाँ पर अनाज और सब्जियों के बारे में न के बराबर वर्णन है, वृक्षों के बारे में ज्यादा वर्णन है, ठीक है। और ये जैसे कि बाद की पुस्तक है कृषि पराशर के, तो इसमें वहां के भी श्लोकों का दोबारा से रेफरेंसेस लिया गया है, इसलिए आपको कुछ कुछ श्लोक ऐसे लगेंगे जिनका रिपीटिशन हो रहा है। तो देखते हैं, पहला जो श्लोक है जो आपको याद ही होगा कि प्री कल्टीवेशन के पहले, मतलब जो प्राइम कल्टीवेशन है, जब खेती के मुख्य फसल आप बोना है किसी धरती पर, तो उसके पहले क्या करते हैं, तिल की खेती करते हैं। और फूल उगने से पहले ही या उग रहा हो उस समय ही मसल कर मिट्टी में मिला देते हैं। इससे एक आम भाषा में बोल रहे हैं कि मिट्टी को हम कोमल बना दे रहे हैं, लेकिन ये जो है मिट्टी की उर्वरकता, उसका जो जैविक कार्बन है, उसकी जो हम क्षमता बोलते हैं कि उपजाऊपन है, वो बढ़ रहा है। इसके बाद उस जमीन पर अगर वृक्ष लगते हैं तो उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, फास्टर होती है, और उसमें फल फूल भी अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन है जो आप याद कर लेंगे। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसमें फल जो है प्री मैच्योर, पकने के पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो वहां पर क्या किया गया, एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन का यूज किया गया जिसमें दूध का प्रयोग हुआ है। दूध को गर्म किया गया है चने के साथ, बहुत सारे हरे चने जो हॉर्स ग्राम बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, या दलहन फसल में जो दालें हो गई, तिल हो गई, जौ हो गई, इनको बॉइल किया गया, फिर ठंडा किया गया और वृक्षों के ऊपर प्रयोग किया गया, ठीक है। तो कृषि में भी जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे आगे भी हम देखेंगे, या तो फर्मेंटेशन करवाते हैं, मतलब उसे एक समय वक्त देते हैं सड़ने का, या फिर हम उसको बॉइल करते हैं और उसको फिर कूल करते हैं, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को जब हम वृक्षों पर देते हैं तो बोला जाता है कि फल और फूल बहुत आते हैं। अब ये धीरे धीरे मैं जो टुकड़ों में बता रहा हूं, ये आगे जाके एक सॉल्यूशन का हम लोग नाम भी देंगे, और एक जो एडवांस वर्जन है, मतलब आज के काल में जो है उसमें और भी हम कुछ मिलाएंगे और उसका एक नाम होगा, जैसे कि जीवामृत आपने नाम सुना है ZBNF में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसी तरह इन सारे एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ध्यान में रहे कि ये हमारे ग्रंथों में बार बार जो है प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। अगले श्लोक में जो है यहां पर सॉल्यूशन में जो है बकरी भेड़ के गोबर का प्रयोग किया गया है, गेहूं का भी प्रयोग किया गया, और बीफ देखिए मांस भी है, और जल का प्रयोग किया गया, और इसे 7 रातों तक रखा गया। इस सॉल्यूशन को जो है फिर से जो है आपका खेतों में पेड़ों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर प्रयोग किया गया जहां पे फ्लावर और फ्रूटिंग की दिक्कत थी, ठीक है। तो आप देखेंगे बहुत सारी जो विधियां होती हैं उसमें, जैसे कि जानवर की मृत्यु हो गई तो उसके, जैसे गौ की मृत्यु हो गई तो वहां पर सींग को भी खाद में प्रयोग लाया जाता है, फिर कई जानवर के मांस को भी प्रयोग में लाया जा रहा था। इसका मतलब ये था कि जितने भी चीजें प्रकृति में वहां पर घटित हो रही हैं आसपास की, उसमें से जो भी रिसोर्सेज, जहां से प्रोटीन, जहां से अमीनो एसिड, जहां से पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसका कलेक्शन और सॉल्यूशन बनाकर खेतों में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आज जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट इसी सॉल्यूशन को प्रयोग करें, लेकिन एक रेफरेंस के रूप में आप याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे तिल का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर जौ का, या फिर बकरी के गोबर का। अगले जो श्लोक है उसमें जो है सीड ट्रीटमेंट के बारे में बात किया गया है कि जर्मिनेशन कैसे फास्ट होता है, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन कैसे अचीव करें। अगर खेत में हम एक बीज को डालते हैं तो क्या होता है कि 100 में 70 उगते हैं, 100 में 60 उगते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा जर्मिनेशन है तो हम बोलते हैं 85 से 90% जो है बीज उगते हैं। लेकिन और भी कुछ उपाय हैं जिससे हम एकदम 95% से ज्यादा अगर जर्मिनेशन अचीव करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और जर्मिनेशन ज्यादा से ज्यादा अगर अचीव हो रही है, इसका मतलब सीड का भी जो इनिशियल स्टेज है वो बहुत हेल्दी है। तो यहां पर आप देखेंगे दूध का प्रयोग किया गया है, काउडंग का प्रयोग किया गया है, और हिरन के मांस के जो है जलाए के धुएं का जो है फ्यूमिगेशन है उसको भी प्रयोग
किया गया है, ठीक है। तो सीसम ट्रीटेड जो है, मतलब कि हम बात करेंगे कि मतलब तिल, शीशम इंग्लिश में, उसका हिंदी क्या होता है, तिल। तो तिल, दूध, जल, गोबर और मांस, इनका भी प्रयोग किया गया सीड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और एक जो मिस कर गए, यहां पे घी का भी प्रयोग किया गया। अब देखिए, ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये आगे जाके कुछ बनने वाला है, मतलब घी, दूध, गोबर, ये सारे तत्व जब आपस में मिलते हैं तो एक परफेक्ट नाम है, जो वराहमिहिर संहिता में, बृहत संहिता में उतना ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन आगे जब हम एक और पुस्तक पढ़ेंगे, कश्यप कृषि सूक्ति, तो वहां पर इसे पंचगव्य का नाम दिया गया, ठीक है। तो पंचगव्य जो है, देखेंगे ये अधूरा है, अभी घी और सिर्फ गोबर या दूध मिला के पंचगव्य नहीं बोलता है। पंचगव्य में पांच चीजें आएंगी, ठीक है। और जो गव्य है, मतलब वो गौस आधारित है, जो भी चीजें उसमें डाली गई है। इसके बाद है कि जो इमली के बीज हैं, वो भी तुरंत जर्मिनेट होता है, स्प्राउट निकल आता है, जब हम राइस का फ्लोर, भूसी प्रयोग करते हैं, चने का प्रयोग करते हैं, तिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फ्यूमिगेशन देते हैं टर्मरिक पाउडर का, मतलब हल्दी के पाउडर का हम फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है। फिर है अंकोला बीज का प्रयोग किया गया, अंकोला के जो फल का है उसका प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे जो पहले वीडियो सेशन में बहुत सारे वृक्षों का मैंने वर्णन किया था, जिसका वृक्ष आयुर्वेद या ग्रंथों में बार बार उनका रिपीटिशन है, उसमें निर्गुंडी, बेल, नीम, तुलसी, तो उसी तरह अंकोला, जो यहाँ पर ढेरा जो हम बोलते हैं, ढेला जो कॉमन झारखंड में जो नाम बता रहे हैं, तो उसका भी फूल फल का जो है, जो छोटे छोटे गोल गोल, एक समझ लो आप प्री मेच्योर अमरूद, जो छोटे में अमरूद जैसा दिखता है और सूख जाए, तो काला रंग का जो फल है, उसका जो पेस्ट और ऑयल जो यूज किया जाता है, उससे भी जो है आपका जो है इमली के जो बीज का जो है, या और भी बहुत सारे हार्ड बीज जो है, उनका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो वराहमिहिर संहिता जो वृहत संहिता है, इसमें बहुत ही कम श्लोक हैं जो वृक्षों पर हैं आधारित। ज्यादातर जो है, कहाँ पर बोना चाहिए, किस दिशा में बोना चाहिए, मंदिर के पास कौन से वृक्ष होने चाहिए, घर के आंगन में कौन से वृक्ष होने चाहिए, या फिर किस दिशा में जो है वृक्ष का रोपण करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बहुत सारे वृक्षों का वर्णन है। तो इस सीरीज में हम एक्चुअली कृषि को लेके ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए अभी उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। या फिर जल का उपाय किया गया है बहुत सारा, कि कूप का निर्माण कैसे करते हैं, बावड़ी कैसे बनता है, ये सारा जो है बृहद संहिता में है। या फिर झरने को कैसे ढूंढते हैं, पानी का जो झरना है, या फिर नहर का निर्माण कैसे करती है, सब कुछ जो है वराहमिहिर संहिता में है। तो इस सेशन में हमने देखा कि जो एक सॉल्यूशन उभर कर सामने आया, जो मतलब पूरे हमारे नेचुरल फार्मिंग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर में से एक होगा, वो होगा पंचगव्य, ठीक है। हमने जीवामृत का नाम सुना है, हमने अमृत जल का नाम सुना है, सजीव जल का नाम सुना है, बहुत सारे मैन्योर्स का हमने नाम सुना है, बायोपेस्टिसाइड में नीम तेल का नाम सुना है, या फिर करंज की खली हो गई, या फिर हमने खैनी का डंठल का प्रयोग किया, या फिर मिर्चा का, लहसुन का प्रयोग किया, ये सारे बायोपेस्टिसाइड में हमने सुना है, या छाछ का फिर प्रयोग किया। लेकिन ये सब क्या है, सब में कुछ ना कुछ एक अधूरापन है। या तो कोई सिर्फ कीड़े को भगा रहा है, या तो कोई सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट को कवर कर रहा है, या फिर कोई सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस की ही भरपाई कर रहा है। लेकिन ये जो पंचगव्य है, जो वराहमिहिर से संहिता से एक हिंट होता है कि घी, दूध, गोबर, इनको मिक्स करना है, आगे जाके सूक्ति में जब हम पढ़ेंगे, कश्यप कृषि सूक्ति में, तो ये कंप्लीट अपना रूप पकड़ेगा कि पंचगव्य होता क्या है। तो ये जो है प्लांट का हेल्थ, प्लांट के माइक्रोन्यूट्रेंट, प्लांट के मैक्रोन्यूट्रेंट, सबका जो ख्याल रखता है, एक सिंगल सॉल्यूशन। अगर हम बोले कि जैविक खेती करनी है, हमारे कृषि उत्थान, संपूर्ण कृषि उत्थान फाउंडेशन में जो भी हमने समझा है, जाना है, उसमें नेचुरल फार्मिंग में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम जानना चाहते हैं, तो वो होगा पंचगव्य। इसके बिना जो है आप फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, यील्ड की बात एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस पे भी हम बात करेंगे आगे जाके, कि इसका कॉस्ट, जैसा सुनने में लगता है कि घी का प्रयोग हो रहा है तो बहुत महंगा है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब पूरे खेत के लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये
1500-1000 रुपए में जो है पूरा सॉल्यूशन जो है पूरे खेत के लिए तैयार हो जाता है। तो आप देखेंगे ये उतना कॉस्टली नहीं है। अगर फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए पूरे एक एकड़ के खेत में एक 1000 से 1500 रुपए लग रहा है तो ये कोई ज्यादा खर्चीला नहीं है। यहां पर फर्टिगेशन में आप बात करेंगे तो पर एकड़ 8000, 10000, 12, 15000 तक लोगों का खर्चा हो रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अगर इतने रुपए में भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे कश्यप कृषि सूक्ति के बारे में। धन्यवाद।